के बेहतरीन नमूने हमने देखे। ये देखो, ये फ्लावर को देखो, डबल कलर्ड मिक्स है। मतलब क्या कुदरत है अल्लाह की, इतना ब्यूटीफुल। इसके अंदर रेड और येलो कलर का ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग करके ये फ्लावर को बनाया। इसके बाद हनीमून पीरियड स्टार्ट होगा, तो अभी हम लोग कहीं पर जा रहे हैं। अभी पूरी फैमिली है साथ में, मैं बरेली आया हुआ हूँ और अभी हम लोग ककराला शरीफ, हमारे हीरो मुर्शिद के वालिद साहब की मजार शरीफ है वहाँ पर, तो वहाँ जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको बरेली का, जो मेरे बाहर के सब्सक्राइबर्स हैं वो लोगों ने यूपी को मतलब वैसे लाइव नहीं देखा होगा बहुत से लोगों ने, तो आइए आपको यूपी घुमाते हैं मेरे साथ में। सॉरी फॉर दिस शेकी रोड, बिकॉज थोड़ा मेरा आज स्टैंड नहीं लेके आया, मेरा व्लॉग बनाने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन खैर जितनी फुटेज अब तक पहुँचेगी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अच्छे से अच्छी चीज़ आपको कवर करके बता सकूँ। महीना है ना, यहाँ पे आलू और प्याज की खेती होती है। देखिए एक लाइन से कितना स्टॉक यहाँ पे सब फार्मर्स हो गए। ये देखिए पूरी ट्रैक्टर्स में आलू और प्याज की खेती के सब सामान भर पड़े हैं, और ये सब रूरल मार्केटिंग की छोटी छोटी शॉप्स वगैरह। तो मतलब प्योर इंडिया का जो हम लोगों के गाँव का जो एक फीलिंग आती है ना, वो यहाँ पर आपको देखने मिलती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें एंजॉय करने के लिए। मौसम भी अच्छा सा है, ठंडी ठंडी हल्की हल्की ठंडी है और सनशाइन है। और ये देखिए कितने सारे आलू, देखिए ये सब फार्मर्स के मतलब फ्रेशली फ्रॉम द फार्म है, और ये शायद शायद एक्सपोर्ट होते हैं ये वाले। देखिए यहाँ पर सब छोटे छोटे स्टॉल्स है खाने पीने के, इतना अच्छा लगता है ये। और ये टेंपल है शायद यहाँ पर गौरी शंकर देवालय। तो मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पर भी अच्छे कंस्ट्रक्शन होते हैं, मार्बल्स वगैरह के, और जितनी भी दुकानें हैं फ्लैट्स है, जो फ्लैट्स तो नहीं कहेंगे, इधर वे ट्रैक्टर की कंपनी है, ट्रैक्टर सेल होती है, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर फार्मर भी है यहाँ पर। और ये ऐसे बैठे घर हैं उनके, और ऐसे मतलब जो भी ऑक्यूपेशन, छोटे मोटे ऑक्यूपेशन हैं यहाँ पर उन लोगों के, मतलब हर चीज़ प्रोवाइड है यहाँ पर। शायद डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, ये एक डॉक्टर का बंगलो है। शरीफ का शहर, और ये है उसका गेट। कितना ब्यूटीफुल झाड़ देखिए, कितना ब्यूटीफुल है, और अंदर तो इससे ज़्यादा खूबसूरत है। अब हम लोग अंदर जाके आपको बताऊंगा मैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके, गेट के पास पहुँच चुके हैं। अभी अंदर जाकर गेट खोलने के बाद, ये देखिए बच्चा आया है गेट खोलने के लिए। This is so beautiful, माशाल्लाह।
ये देखिए यहाँ से आस्थाना नज़र आएगा आप लोगों को। ये अभी पूरा यहाँ पर न्यू बना है, फुल न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है इधर। और मैं अंदर की भी ये मज़ार शरीफ है, और ओहो क्या खूबसूरत है माशाल्लाह। किसी रिसोर्ट से कम नहीं है यार। यहाँ फ्लावर्स वगैरह देखिए, प्लांट्स देखिए, ब्यूटीफुल। ये पूरी प्रेमाइसेस है, यहाँ पे गेस्ट हाउसेस है। ये मतलब उर्सों के टाइम पे यहाँ पे लोगों को ठहराया जाता है। अभी मैं उतर के भी आप लोगों को पूरी प्रेमाइसेस दिखाऊंगा यहाँ की। पहले हम सलामी कर लेंगे। और ये है हमारे पीरो मुर्शिद का प्रॉपर घर, यहाँ हुजूर का। अभी हम लोग कार से उतर रहे हैं, इजाजी लोग पीछे बैठे हुए हैं, मेरी फैमिली आगे है, मेरी वाइफ आगे बैठी थी, और अब्बा मम्मी यहाँ पर है। ये है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, मतलब यार ऐसा ताज़गी आ गई है रूह के अंदर, जिस्म के अंदर, कि मैं बता नहीं सकता इस जगह को देख के। इतना सुकून कि जिसका कोई जवाब नहीं है। कि हम लोग यहाँ पे ये रोज़ का प्लांट देखने के लिए रुके हैं, इतना खूबसूरत है। मतलब नेचुरल रोज़ को, ये देसी जो गुलाब होते हैं उसको हम लोग नेचुरल हैबिटेट में, मैं तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। नर्सरी वगैरह में देखा है हम लोगों ने, लेकिन ये जो रियल में देखने का जो मज़ा है ना, कली देखो प्यारी, कितनी अच्छी कली है इसमें। हर किस्म के फ्लावर्स आपको मिलेंगे, एक्सोटिक फ्लावर्स से लेके जितने भी फ्लावर्स हैं यहाँ सब मिलेंगे आपको। मतलब इन्होंने इतना ब्यूटीफुली इस जगह को डेकोरेट किया है यहाँ पे खादिमों ने। और ये देखिए गेंदे फूल है, सनफ्लावर्स है, लिली है, हिबिस्कस है, और इतने सारे प्लांट्स हैं कि मेरे को जिनके नाम भी नहीं पता, इतने सारे कलर्स हैं। ये लेवेंडर है, ये आज तक मैंने यार्डली पाउडर के डब्बे पे देखा था इसका फोटो, लेकिन ये देखिए ये रियल में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। कलर्स इतने सूथिंग है यार ये सब, वाह। ये देखो, सॉरी मेरा शेडो आ रहा होगा आप लोगों को, कि सन ये तरफ का है। मतलब यार ये खूबसूरती तो वाकई, मतलब तारीफ भी इसके सामने कुछ। ओहो ये रोज़ देखो वाइट कलर। मुर्शिद के रुखे पाक में है किसकी तजल्ली, मुर्शिद के रुखे पाक में है किसकी तजल्ली, मुर्शिद के रुखे पाक में है किसकी तजल्ली, मुर्शिद के रुखे पाक में है किसकी तजल्ली। हाँ वाकई तुम अहले नजर हो तो बताओ, हाँ वाकई तुम अहले नजर हो तो बताओ। एप्पल जैसा है, छोटे छोटे एप्पल के तरह है ये। तो अब मैं यहाँ नीचे वेट कर रहा हूँ ताकि मेरे टकले पे एक और गिरे कोई। थे तो यहाँ पे मम्मी की नज़र पड़ी कैरी के ऊपर है। देखो कितनी प्यारी कैरी लगी हुई है, देखो झाड़ पे नेचुरल मैंगो का ये ट्री है, और देखो दो कैरी लगी हुई दिख रही है। इतना अच्छा लग रहा है यार यहाँ पर, इतना मुंबई की लाइफ से, बिजी लाइफ से, पॉल्यूशन से दूर। ये आप पीछे कोयल वगैरह की आवाज़ सुन पा रहे होंगे, और कबूतर की तो आवाज़ आ रही है यहाँ पर। और ये मज़ारे है बाहर यहाँ पर, ये अंदर आस्थाना शरीफ है पूरा, जो कि वाइट मार्बल से और वाइट कलर के सीमेंट से बना हुआ है। तो मतलब बहुत ही अच्छे खूबसूरत मॉन्यूमेंट की जैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर भी। इन्होंने पूछा ये बेर है, इन्होंने कहा ये बेर का पेड़ है, बोला ऐसे ही खाएंगे तो इसका आप टेस्ट करके देखो। तो हम ऐसे ही खा के देखते हैं, ये पके हुए बेर है शायद, दिखने में बज़ाहिर कच्चे लग रहे हैं, ये हरे ही दिखते हैं, हरे ही दिखते हैं। अच्छा तो आइए हम बिस्मिल्लाह बोल के एक बेर ट्राई करते हैं, उन्होंने मुझे दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरियसली यार ये तो इतने टेस्टी है, इतने गिर रहे थे मैं जब से खाया नहीं। मेरा बस चले तो ऊपर के सारे तोड़ के खा लूँ।
चलो अब मैं नीचे थोड़े नीचे से क्यों गिरे तो उनके खा लेता हूँ। ठीक है एक मिनट, ये बेर कैसे यहाँ पर कैसे हो गया जरा दोबारा बताए ना। कि ये पेड़ दादा अपना हजूर के टाइम से ही है। अच्छा ये कट चुका था एक बार। अच्छा फिर उसके बाद इसकी टहनियाँ कटती रही। अच्छा हाँ पहले ये था यहाँ। ओहो अच्छा ये ऐसे ऐसे मियाँ के करम की बात है। ये होती है करामत अल्लाह के वलियों की। आपने देखा हमेशा हरा ही जो ये पेड़ था ये वाला जो अभी यहाँ पर है ये वो अभी जो नया बना है आस्थाना शरीफ तो ये पेड़ यहाँ पर था यहाँ पर। और जैसे जैसे आस्थाने का काम शुरू होता गया आस्थाना शरीफ को आगे लेके आया मतलब यहाँ का कंस्ट्रक्शन तो किसी को पता भी नहीं। जिन्होंने पुराना देखे होंगे कंस्ट्रक्शन उनको पता होगा ये पेड़ अपने आप इसकी टहनी यहाँ पे सरकते सरकते ये यहाँ आ गया ताकि अंडर मतलब कंस्ट्रक्शन के बीच में ना आए ये। तो सुभान अल्लाह ये एक बहुत ही अच्छी मालूमात मालूम पड़ी है इनसे हमें। आइए और उनके साथ चलता हूँ मैं ताकि और अच्छी इंटरेस्टिंग बातें। अल्लाह माफ करे नीचे मेरे बेर पैर के नीचे आ गए काफ़ी सारे। तो अभी हम लोग ये जमा कर रहे हैं और ये मुंबई लेके आएंगे। जी जामुन का पेड़। अच्छा वो मियां हुजूर मदीने शरीफ में जो गुठली खाए थे हाँ। उसकी पौध लगाया गया। ओहो माशाल्लाह तो ये मियां हुजूर ने यहाँ पे मदीने शरीफ में जामुन खाए थे तो उसकी गुठली से फल नहीं आया यहाँ पे लगाए थे तो इस बार फल आ गया। ओहो हो सुभान अल्लाह जामुन लगे हैं जामुन लगे उस पे पहली बार इस पे फल आया। ओहो माशाल्लाह सुभान अल्लाह आई एम सो एक्साइटेड। चलो हम देखते हैं मियाँ हुज़ूर ने फरमाए थे इसके ऊपर अभी तक फल नहीं आए और उनकी ज़बान मुबारक तो बिल्कुल खाली जा ही नहीं सकती। ये तो हमारा सबका अकीदा है और इसके ऊपर अभी फल लग गए हैं तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी मुझे बता रहे हैं कि फल जामुन वगैरह कैसे हैं। आइए देखते हैं। ओहो हो माशाल्लाह ये वो पेड़ है और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका अभी जो फल की जो शुरुआत हुआ है जी वो इस तरह का फूल है। इतना बड़ा हो गया तो नीचे से एक्चुअली फूल लगे हैं अभी ये फल के तो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। इन्होंने मुझे बताया करीब से देखिएगा इसको तो ये ऊपर से मैं आपको व्यू भी दिखा दूंगा आस्थाने शरीफ का। ये टेरेस है आइए नज़दीक से देखो ये है जामुन का पेड़ बताइए ये सब ये ओहो ये फल आ रहा है दिखा आपको ये देखिए ये फूल आ गया है ये सब फूल आए जो छोटे छोटे हैं ना हाँ। ये फल के और अब ये बड़े होके जामुन बनेंगे करीब से इसको चाहे तो बना लीजिएगा। मैं आपको और के करीब से दिखाता हूँ ये देखिएगा ये देखिए ये है वो फूल माशाल्लाह अब इधर भी आ गया है लगभग टहनियों में ये इसमें फल लगना स्टार्ट हो चुके हैं। व्यू आस्थाने शरीफ का व्यू है पूरा और ये पूरी प्रमाइसेस है तो मैं आपको और आगे से चल के बताता हूँ। हाजी साहब ये ऊपर क्या है ये पूरा यहाँ पर उर्सों के टाइम पे खाना यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। अच्छा मेहमान आराम भी करते हैं अब इसकी तामीर होना शुरू होना बाकी है इनके आ गया है। अच्छा बस मियां हुजूर का इंतजार है माशाल्लाह। तो यहाँ पर पूरा उर्सों के टाइम पे इतनी यहाँ पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये सब यहाँ पर खाना खिलवाया जाता है मेहमान ठहरते हैं ओवरनाइट रुकने वाले यहाँ पर आराम भी करते हैं और ठंडियों के मौसम में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह। ये देखो ये पूरी प्रेमाइसेस है ककराला शरीफ की ये हमारी कार है नीचे और सामने ये लोग सब है। चलिए नीचे उतरते हैं हम लोग। जी जी वो गुठली वहाँ से यहाँ जब गए थे तो जो खाया गया था वो उस गुठली से ही पौध बनाया गया है। पौध को जो है जमीन में फिर लगाएंगे ये सब पौध है। ओह माशाल्लाह ये पौध है
मदीने शरीफ में, ये देखिए मदीने शरीफ के जो खजूर मियाँ ने तनामुल फरमाए थे उनकी गुटलियाँ यहाँ तक लेके आके इन्होंने इनको इसके अंदर इसकी ये पौधे बनाए, पौधे बनाए हैं इसके, और अभी इतने माशाल्लाह ऊपर आ चुके हैं, इतने बड़े हो चुके हैं ये। अब इसको जमीन में फिर लगाएंगे, फिर जमीन में लग के जहाँ सरकार फरमाएंगे तो उस जगह जो है वही बात है कि बस मेरे पीरो मुर्शिद जहाँ पे बोल दे तो वो बंजर ज़मीन भी हीरा और सोना उगलती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पीर की शान है। ये तो आपने देखे इतनी सारी यहाँ पर चीज़ें, मतलब और भी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। आई एम फाइंडिंग ये अंकल हाजी साहब बहुत इंटरेस्टिंग माशाल्लाह। आम का पेड़ है वो? अच्छा हाँ, ये आम के लीव दिख रहे हैं। अच्छा ये राइफल आम के होंगे शायद, और जो छोटे आम होते हैं ये मौसम्बी का पेड़ है। ये सब तैयार होता है तो इनका सीजन का भी होता होगा जी साहब? सीजन का भी होता है मतलब? हाँ, सीजन होता है। अच्छा हाँ, बरसातों में जो बरसातों में आ गया है कि ये फूल आने शुरू हो गए। अच्छा ये देखिए ये फूल आ गए। हाँ, ये मौसम्बी के फूल है। तो ये है मौसम्बी का, ये इनका बरसात के सीजन में, और ये गर्मियों में यानी अभी मई वगैरह में आएगा। ये कीनू का पेड़ है। अच्छा ये कीनू जो ऑरेंज की तरह एक होता है। हाँ, ऑरेंज की तरह होता है। जी जी, ये वो पेड़ है, इसमें फूल आ गया है। अच्छा माशाल्लाह, मतलब एवरी काइंड ऑफ फ्लावर्स और फ्रूट्स आपको यहाँ पर मियाँ हुजूर ने लगवाए हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इन इस सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। देखिए अभी भी पॉट्स पड़े हैं काफ़ी सारे, सबके बेरीज कलेक्शन ही चालू है यहाँ से। बताओ कितने जमा कर दिए? ये देखो, ओहो ये देखो कितने सारे गिरे हुए इन लोगों ने बेर जमा कर लिए। भी झाड़ अच्छा तोड़े, मेरा तो यार दिल ही नहीं भर रहा है इस बेर खा के। एक बार खाया हूँ, इतना चस्का लग गया मुँह पे। ये देखो यहाँ दो गिरे हुए हैं, इसको भी ट्राई करते हैं हम लोग धो के, मैं इसको खाता हूँ। और है दो तीन गिरे हुए हैं, बिस्मिल्लाह। ये ऐसा लग रहा है कच्चे है, लेकिन एक्चुअल में ये इतने मीठे हैं अंदर से और पके हुए हैं। तो हम लोगों ने तो मुंबई ले जाने के लिए काफ़ी सारी थैली भर भी ली। वो देखो मम्मी का अभी तक चुनाव चालू है। ये बेहतरीन नमूने हमने देखे, ये देखो ये फ्लावर को देखो, डबल कलर्ड मिक्स है, मतलब क्या कुदरत है अल्लाह की, इतना ब्यूटीफुल। इसके अंदर रेड और येलो कलर का ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग करके ये फ्लावर को बनाया, इतना खूबसूरत है माशाल्लाह। और यहाँ सारे फ्लावर्स ही बहुत ज़बरदस्त है। ये गुलाब देखो, ये जो हम लोग आर्टिफिशियल गुलाब प्लास्टिक के लेते हैं मार्केट से, वैसा ये रियल रोजेज हैं, वाइट एंड पिंक। फिर यहाँ पर देखें पीछे आवाज़ देखो कितनी अच्छी आ रही है कोयल की। और ये है गेट आस्थाने शरीफ का। ये कितना पिंक, ब्राइट पिंक कलर का पूरा खिला हुआ गुलाब है ये, इतना खूबसूरत माशाल्लाह। और ये हमारे देसी गुलाब है, यहाँ पर भी देसी गुलाब है। सब दादा मियां हुजूर की तरफ झुके हुए हैं। हाँ अल्लाह सुबह। ये देखिए ऑरेंज रोजेस, इधर से खींचेंगे तो बहुत शानदार आएगा फोटो इस तरफ। ये देखिए ये ऑरेंज रोजेस, ऑरेंज और पिंक ऐसा लग रहा है मिक्स है, पूरा गुलाब का बंच है। और ये सब रियल रोजेस है, इतने एक्सोटिक फ्लावर्स है ये माशाल्लाह यहाँ पर, कि तबीयत खुश हो गई देख के। और ये है आस्थाने शरीफ की एंट्री, यहाँ से अंदर जाएंगे। अब्बा जा रहे हैं अंदर, हम लोग भी जाएंगे। ये औरतें चप्पल हम यहीं निकाल देते हैं। ये मार्बल देखिए कितना बढ़िया मार्बल है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़बरदस्त माशाल्लाह। वहाँ औरतों के लिए है पीछे, और यहाँ पे आदमियों के लिए है। यहाँ पे फातिहा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बैठ के। और ये है फातिहा शुरू हो रही है, अब मैं आपको फातिहा के बाद मिलता हूँ। अभी फातिहा हो चुकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर दरबार में सलामी के लिए। दरबार खोला जा रहा है, लेकिन मैं वो अंदर का रिकॉर्ड नहीं करूँगा एहतरामन रीजंस के लिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो मैं वो अभी यहीं पे आपको स्टॉप करता हूँ, मैं भी हाज़िरी कर लेता हूँ। चलो सलामी भी बहुत अच्छी तरीके से हो गई और फातिहा भी हो गई, और अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा रिमाइंडर्स वगैरह देखेंगे, मैं आपको भी दिखाऊँगा। ऑलरेडी तो मैंने कवर कर चुका हूँ,
लेकिन गाइस मैं सही बात आपको बताऊं कि जो हमारे पीरो मुर्शिद के दर पे जो सुकून, अगर दुनिया में कहीं भी कल भी बेचैनी आपके दिल में हो, या फिर क्यों ना, एक होता है कि ज़िंदगी में इतने इंसान जीते जीते बेजार सा आ जाता है, तो ऐसी जगहों पर आओ, अल्लाह वालों के घर पे आओ, उनके दर पे आओ, और ये जो सुकून अभी हम, मतलब मैं जो फील कर पा रहा हूँ मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ऐसा ही सुकून आप लोगों को भी मिलेगा। आप जिससे भी वाबस्ता हो, मतलब जिससे भी आप मुरीदी, मतलब जो भी आपके पीर होंगे, आप उनके दर पे जाइए, बेशक आपको फैज़ मिलेगा ही मिलेगा ज़रूर। यहाँ पे हम लोगों को रिफ़्रेशमेंट सर्व हो रहा है, हम लोगों को बिठा कर चाय बनाई गई हम लोगों के लिए, और यहाँ पर बिस्किट्स वगैरह सर्व किए हैं। ये कहते हैं यहाँ पे कोई भी आए, मियाँ का मेहमान है, तो उनके लिए यहाँ पर सब चीज़ें बनाई जाती हैं। इतनी प्यारी बात कही कि हमारे मियाँ के दर पे सभी के आशियाने हैं। ये यहाँ पर बर्ड हाउस, लिटिल बर्ड हाउस, ये हर ट्री पर यहाँ पे हैंग किए हुए हैं, जहाँ पे ग्रेन्स डाली जाती है और जो भी नियास का चूरा वगैरह रहता है, तो ये बर्ड्स आकर खाते हैं यहाँ पर। तो माशाल्लाह, इंसान तो इंसान, और अल्लाह की हर मखलूक हमारे पीरो मुर्शिद के फैज़ से फैज़याब होती है। ये बहुत अच्छे से सलामी हो गई हम लोगों की, और आज का व्लॉग बस यहीं तक था। मैं अभी हूँ और 7-8 दिन हूँ बरेली में, और बरेली से हम लोग जाने भी वाले कहीं, वो कहीं कहाँ जाने वाले वो भी आपको नहीं बताऊँगा मैं, दैट इज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू ऑल। तो ककराला शरीफ का आज यहीं तक के व्लॉग था। डू नॉट फॉरगेट टू प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड येस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए GKV। फॉर नाउ साइनिंग ऑफ, गाड़ी सकते हैं। हम लोग जो दिन रात यहाँ देख रहे हैं, हम लोग जो दिन रात यहाँ देख रहे हैं, ये फैज़ की बारिश कहीं पर हो तो बताओ, ये फैज़ की बारिश कहीं पर हो तो